हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज 12 मार्च को एक स्पेशल क्लास आने वाली है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड रहेगी, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कि हमारे एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे जुलाई 2023 के लिए पाइथन में जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। तो दोनों के मिक्स क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। तो किस किस के रहेंगे? एक तो आपके रहेंगे फ्लो चार्ट के और दूसरे रहेंगे एल्गोरिदम के। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों की क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही है वो तो हमारी कंटिन्यू चली रही है। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को पाइथन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की सिखाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को पाइथन सीखने के लिए मिलेगी जीरो से लेवल से मैं आपको बता रहा हूं और साथ में तैयारी भी करा रहा हूं। और सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं, चाहे वो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ए लेवल की तैयारी, या फिर अदर लैंग्वेजेस की भी तैयारी में, या फिर इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज आप लोगों को मैं टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए, जो जुलाई 2023 में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी में से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। और वैसे भी हम लोग की 19 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जिसमें फॉर लूप की क्लास मैंने लास्ट क्लास में अपलोड की हुई थी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्लास मिलेगी फॉर लूप के नेक्स्ट सिंटैक्स प्लस ब्रेक एंड कंटिन्यू, दो स्टेटमेंट हमारे और रह गए हैं और वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास तक। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ओ लेवल M3 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में हमारी सारी पाइथन की क्लास अवेलेबल है, ओके। बाकी आप लोगों के नोट्स हमारी वेबसाइट careersknowledge.in पर पूरे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अभी जितने भी हमारे नोट्स रह गए थे अपलोड होने के लिए, ठीक है, तो ये होली की जो छुट्टियां रहेंगी इसमें हम लोगों ने आपको नोट्स भी अपलोड कर दिए। तो आप लोगों को जहां तक हमारे चैप्टर 4 तक के नोट्स अपलोड हो गए तो वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज आप लोग देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन हमारे ओ लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ओके, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, टॉप 50, वन मिनट, 50 क्वेश्चंस दे रहा है आपको और अच्छे से इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस, चाहे वो आप लोग किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 11th 12th या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्रो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एस, ठीक है। तो मैक्रो फ्लो चार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा हमारा लेस डिटेल्ड फ्लो चार्ट, ओके। तो आंसर रहेगा लेस डिटेल्ड फ्लो चार्ट, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर, ठीक है। तो GUI का स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल सिंबल इन फ्लो चार्ट इंडिकेट, जो टर्मिनल सिंबल होता है वो क्या इंडिकेट करता है? एंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। जहां पे मैंने फ्लो चार्ट बताया था वहां पे मैंने बताया हुआ था स्यूडो कोड इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो स्यूडो कोड किस लिए यूज होता है? तो आपको मैंने बताया भी था स्यूडो कोड लिखते कैसे है, बाकी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। ऑलरेडी हमने स्यूडो कोड से रिलेटेड भी क्लासेस अपलोड की थी, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और विद प्रैक्टिकल आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से ओ लेवल M3 के नाम से, उसमें आपको सारी पाइथन की क्लासेस मिल जाएगी, ओके। तो जो स्यूडो कोड है इसका यूज किस लिए करते हैं? तो जो आंसर रहेगा टू राइट प्रोग्राम स्टेप, जैसे एल्गोरिदम होता है उसी की तरह होता है, बस इसमें क्या है कोई हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहे तो यही रहेगा। मैक्रो फ्लो चार्ट सोर्स द, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या सोर्स करता है मैक्रो फ्लो चार्ट? आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेंटेशन इन अ प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता है इंडेंटेशन क्या क्या काम करता है इसमें? तो क्या करता है? इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडेंटेशन अगर हम लोग नहीं लगाते हैं, और पहली बात तो पाइथन में क्या है, इनबिल्ट होता है, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन फॉलो होता है, अगर हम लोग गलती से उसको इंडेंटेशन फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? इंडेंटेशन एरर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड इन्फिनिटी लूप, ठीक है। इन्फिनिटी लूप को अवॉइड करने के लिए किसका यूज होता है? तो सिक्वेंसियल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, वन मिनट में सही कर देता हूँ, सिक्वेंसियल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लूप, अभी हमारा जो लूपिंग चल रहा है उसमें कभी कभी अगर हम लोग क्या करें कि अपडेशन नहीं करें या फिर कोई सिंटेक्स में गलती कर दें तो इन्फिनिटी लूप चलता है, वो आपको पता चलेगा जब आप लोग प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का क्या बेनिफिट नहीं है? इट इज इंक्रीज द प्रोग्राम रीडेबिलिटी, ये तो है। इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी, ये भी सही है। इट अलाउ द क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है? नॉट, है ना, नॉट बोल रहा है। तो allow programmer to do the job many times same amount of time, नहीं ये नहीं है। तो आंसर नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, वन मिनट, आंसर रहेगा आपका डी, क्योंकि यहां पे नॉट लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कौन बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, तो देखिए डिसीजन है, लूप है, सिक्वेंस है, प्रोसेस नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है, तो कौन सा गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल का नहीं है, तो है प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, प्रोवाइड वेलकम मैसेज, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट, तो आंसर रहेगा आपका प्रोवाइड अ वेलकम मैसेज। नेक्स्ट है हमारा अ मेथड विच यूजेस अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू कम्प्लीट अ टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट, फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू द स्टेट इज कॉल्ड एस, ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिदम। नेक्स्ट है द चार्ट दैट कंटेन ओनली फंक्शन फ्लो नो कोड इज कॉल्ड, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर चार्ट कहलाएगा वो, जिसमें कोई कोड नहीं होता, क्योंकि फ्लो चार्ट में तो हम लोग लिखते हैं प्रोसेस बॉक्स के अंदर, द चार्ट दैट कंटेन ओनली फंक्शन फ्लो एंड नो कोड इज कॉल्ड, ठीक है, तो स्ट्रक्चर चार्ट ही वो हमारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल, ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें हमारा, सिक्वेंशियल, डिसीजन, स्यूडो कोड या बोथ बी एंड सी, तो देखिए आप समझ गया होगे जैसे कि डिसीजन और स्यूडो कोड इसमें हमारा विच ऑफ द प्रोग्रामिंग इज नॉट, हाँ डिसीजन और स्यूडो कोड क्योंकि इसमें कोई टूल नहीं है, ये तो हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, तो कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो सिक्वेंशियल भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम, सिक्वेंशियल, डिसीजन, टाइम शेयरिंग, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नन रहेगा इसका आंसर आपका। नेक्स्ट है अ स्ट्रक्चर्ड चार्ट इज, ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ अ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस रिक्वायरमेंट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, अकम्प्लेस अ हायरार्की ऑफ पार्टीशन ऑफ अ प्रोग्राम, या बिगिनर्स और ऑल पर्पस या फिर ई ऑल, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अ हायरार्कियल पार्टीशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा इन स्ट्रक्चर चार्ट मॉड्यूल आर डिस्क्राइब एस, ठीक है, तो स्ट्रक्चर चार्ट मॉड्यूल डिस्क्राइब एस व्हाट, ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल, द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी व्हाइल, तो आंसर रहेगा इसका गिविंग आउटपुट टू द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज फॉर, तो आपको पता है कि फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज फॉर व्हाट, बेटर प्रोग्रामिंग, इजी टेस्टिंग, इफिशियंट कोडिंग, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल। नेक्स्ट है हमारा इसमें एन एल्गोरिदम रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो जो आंसर रहेगा क्या होता है, प्रोग्राम रहेगा, इसमें आंसर रहेगा हमारा प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, ये तो आपको पता ही है, कई बार हम लोगों ने डेफिनेशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट आर यूज टू इंडिकेट ऑल अर्थमेटिक प्रोसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, आंसर क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग रहता है। नेक्स्ट है अ फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, माइक्रो फ्लो चार्ट बोलते हैं, मैक्रो फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, आंसर क्या रहेगा, मैक्रो फ्लो चार्ट बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। स्यूडो कोड इम्फासिस ऑन, ठीक है, तो आंसर पूछ रहा है स्यूडो कोड इम्फासिस फॉर किसके लिए होता है, डिजाइन के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सीक्वेंस लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लूप्स इन प्रोग्राम लॉजिक व्हेन वन और मोर इंस्ट्रक्शन मे बी एग्जीक्यूट सेवरल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस, ठीक है, तो जो आंसर रहेगा इसका हमारा वो रहेगा इटरेशन लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्लानिंग टूल अलाउ द प्रोग्रामर टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक टू बी रिटन टू बी राइटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा स्यूडो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्गोरिदम इज अ, तो आप लोगों को पता है एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। काइट बॉक्स इन फ्लो चार्ट इज यूज, ठीक है, तो काइट बॉक्स किसका काम के लिए यूज होता है, ये आप लोगों को पता भी है, इसको हम लोग डिसीजन के लिए यूज करते हैं, डायमंड शेप की तरह होता है, डिसीजन की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिदम, ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड एल्गोरिदम का, उसको बोलेगा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा नहीं है, देखो क्या प्रीसाइज होता है, एमबीजीएस होता है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होता है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड डायग्रामेटिक, ठीक है, डायग्रामेटिक की बात कर रहा है, तो फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्राम, एल्गोरिदम डिजाइन, स्यूडो कोड, आंसर क्या रहेगा, फ्लो चार्ट होता है। नेक्स्ट है आफ्टर द प्रोग्रामर प्लान द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम शी और ही विल नेक्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ट्रांसलेट द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम या कोड द प्रोग्राम, तो आपको पता है कोड द प्रोग्राम, जैसे कि आप मैंने आपको पहले बताया था जो हम लोग स्टेप पढ़ रहे थे, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर क्या होता है उसका हम लोग एल्गो लिखते हैं, स्यूडो कोड लिखते हैं, फिर फ्लो चार्ट, उसके बाद क्या करते हैं, फिर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन द फ्लो चार्ट, ठीक है, तो किस सिंबल का यूज करते हैं आउटपुट फ्लो चार्ट के लिए, तो आपको पता है पैरेललोग्राम का हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हम लोग क्लास में विद प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने एल्गोरिदम बनाई हुई थी, ठीक है। तो जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या होता है पैरेललोग्राम, सारी क्लासेस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जहां पे मैंने फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्मिनल सिंबल फॉर फ्लो चार्ट, ठीक है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्मिनल सिंबल के बारे में बात हो रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा सर्किल। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्यूडो कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्ट्रक्चर, गेट नंबर, गेट व्हाई नंबर इज पॉजिटिव एंड एड टू सम, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, लूप हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कैन इजिली बी ब्रोकन डाउन इन रूटीन्स और दैट कैन बी असाइन टू एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मॉड्यूल्स, क्योंकि अभी ये टॉपिक आपका स्टार्ट होगा लेकिन फ्लो चार्ट में पूछा जा सकता है। इन केस स्ट्रक्चर ऑफ द लूप एंड लूप बॉडी कंटिन्यू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द आंसर टू द कंट्रोलिंग क्वेश्चन इन यस और ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे, तो आंसर रहेगा एल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉज प्रोग्राम कंट्रोल टू एंड अप ऑलमोस्ट एवरी एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा गो टू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ चॉइसेस के लिए जो डिसीजन होता है, ये एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो मतलब ये लेकिन पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पाइथन में बाकी अदर लैंग्वेजेस के रिकॉर्डिंग है ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, क्योंकि स्विच हमारा पाइथन में सपोर्ट नहीं होता है, अदर लैंग्वेजेस में हम लोग चॉइसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पाइथन में स्विच हमारा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से रिलेटेड ही था तो मैंने इसको प्रोवाइड कराया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ऐसा भी आएगा, अगर आता है तो आप लोग लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द करेक्टनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी चेक्ड वेरी इजिली, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हम लोग इजिली चेक करेंगे, एल्गोरिदम के द्वारा। नेक्स्ट है, द थ्री थिंग्स इनसाइड द लूप आर सेपरेटेड बाय, ठीक है। तो कैसे सेपरेट होता है हमारा, थ्री थिंग्स इनसाइड द लूप आर सेपरेटेड बाय, देखिए कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन या हाइफन, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसकी बात करें जब थ्री थिंग्स दी होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमारी अदर, अगर आप लोग इसकी बात करें जिसमें हमारा क्या होता है पाइथन, तो पाइथन में लूप में हम लोग कॉलन से सेट वो सेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेमी कॉलन के द्वारा हम लोग करते हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, तो जो सिंबल का यूज होता है किसके लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, वो किसके कौन सा सिंबल होता है, देखिए ये आपको पता होगा क्योंकि जो सिंबल यूज होता है वो हमारा कौन सा रहेगा, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ये हमारा ये वाला सिंबल इसमें रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट में भी यूज होता है, आउटपुट दोनों हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में काम में आते हैं, तो वो हमारे इस तरह से रहेंगे, जिसको हम लोग इसी को इनपुट में यूज करेंगे और इसी को हम लोग आउटपुट में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल यूज टू टेस्ट कंडीशन, तो आपको पता है डिसीजन के द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं फ्लो चार्ट में कंडीशन को। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, नोइंग द नॉलेज बेस्ड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड, कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट या ऑल ऑफ द अबव, तो आपको पता है कि ये सारी चीजें ही जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट आर, ठीक है, तो फ्लो चार्ट का क्या एडवांटेज, इफेक्टिव एनालिसिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इफेक्टिव एफिशियंट कोडिंग है ऑल, तो आंसर रहेगा ऑल, सभी की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है, अब पूछ रहे हैं एल्गोरिदम का डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, वन मिनट, यहाँ पे पूछा जा रहा है द फ्लो चार्ट स्यूडो कोड, और इसके बाद बोल रहा है हमसे चार्ट, और इसके बाद बोला है हमसे ग्राफ। तो आपको पता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कब करते हैं, एल्गोरिदम के बाद का स्टेप होता है, वो होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्यूडो कोड सॉरी फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल, ठीक है, तो टेस्टिंग प्रोसेस का हमसे फर्स्ट गोल पूछा जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, टेस्टिंग प्रोसेस का फर्स्ट गोल, बग प्रिवेंटेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग या ऑल ऑफ द अबव, तो जो टेस्टिंग का होता है बग प्रिवेंटेज, बग मतलब होती है कुछ गलतियां, कुछ एरर्स अपनी कोडिंग के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इन टू द ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है ट्रांसलेट, वो होता है कंपाइलर के द्वारा। फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर इज टू, क्या क्या फंक्शन होते हैं कंपाइलर के, तो पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड, नो, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू फॉर्म सुटेबल एंड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम बाय द प्रोग्राम, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। द सिंबल इज यूज्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, तो फ्लो चार्ट के बिगिनिंग के लिए कौन सा सिंबल का यूज होता है, ओवल या पिल शेप।
नेक्स्ट है क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सिंबल इज यूज्ड टू फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। ठीक है, किस सिंबल का यूज होता है कंडीशन के लिए, तो वो होता है डिसीजन, इसी को हम लोग काइट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके जुलाई 2023 एग्जाम के लिए है और सभी लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी इंटरव्यू में को क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास थी इसमें मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस बता दिए एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। और अब से क्या होगा, आपको हर संडे टू संडे, ठीक है, मैंने प्लान किया संडे टू संडे, इसी तरह से आपकी एक स्पेशल क्लास रहेगी सैटरडे या संडे, जो भी रहेगी कम्युनिटी टैब पे मैं आपको बता दूंगा, या तो सैटरडे रहेगी या तो संडे रहेगी, जिसमें आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि अभी आपके एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, इसी तरह से अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इस पे भी आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी मैं लेटेस्ट अब वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों तक मिल सके। बाकी आपको पता ही है प्रोग्रामिंग की ऑलरेडी आपको क्लास मिल रही है, दूसरी बात पूरे नोट्स आपके अपलोड हो गए हैं careersknowledge.in पे विजिट करिए और अपने नोट्स भी ले लीजिए। ठीक है, वेबसाइट है हमारी, जिनको नहीं पता है वहां पे आपको पाइथन के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, फोर्थ चैप्टर तक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अभी आप लोगों को मिलने वाली है जो कि आप लोगों की फॉर लूप कंटिन्यू रहेगा, दो सिंटैक्स हम लोग अपने फॉर लूप में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा नेक्स्ट सिंटैक्स हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, दो सिंटैक्स आप लोगों के और रह गए, वो भी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू दो स्टेटमेंट रहेंगे और एक प्रोग्रामिंग की क्लास भी आने वाली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मिक्स प्रोग्रामिंग की क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।